मानवाधिकार मीडियम ये हमारी सौभाग्य कही जा सकती है कि ऐसी स्थिति कही जा सकती है जिसमें हमें ऐसे बाल संसद की महाराज से आज मुलाकात करने का एक अवसर मिला, जिससे मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहूँगा सबके दर्शकों के लिए या सभी के लिए, सबसे पहले मैं आपको पहले जानना चाहूँगा क्या कहते वहाँ से हैं आप और इस तरह से जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं इस कार्यक्रम के बारे में, क्या आज की जो आधुनिक दुनिया है इन सब चीज़ों के बारे में आप क्या सोचते हैं और इस तरह से जो काम कैसे करते हैं? जय श्री कृष्णा, जय श्री ठाकुर जी की मैं पराग पर भूमि परमेश्वर अखिलेश्वर विदेश्वर सर्वेश्वर और इस सारे जगत के नियमता बनाने वाले चलाने वाले संहार करने वाले जब पालक परमात्मा की सेवा का कार्य हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय जो परमात्मा ब्रह्म विष्णु महेशाध्याय साधका नमामि देवं त्रिलोकं विशुद्धं परमं भजे, यानी जो परमात्मा हम सब जीवों की अंतरात्मा में विद्यमान है, हम सबको चैतन्य बनाया हुआ है, आज उसी परमात्मा की चैतन्य सत्ता से प्रेरणा प्राप्त करके गुना मध्य प्रदेश से हम रहने वाले और कथा के क्षेत्रों में ठाकुर जी की अनुकंपा से जब से वाणी प्राप्त हुई है, जब से प्रेरणा हुई तभी से ही ये सेवा का कार्य ठाकुर जी प्रदान किए हैं। स्थान स्थान पर जाकर लगभग सभी भारत के प्रदेशों में श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री गौ कथा, शिव कथा आदि आदि के माध्यम से ठाकुर जी की जो कथाओं का प्रसार है, सनातन धर्म का प्रसार है और जन जागरण का जो कार्य है, ठाकुर जी ही प्रेरणा दिए हैं और ठाकुर जी ही शक्ति दिए हैं जो हम आज कर पा रहे हैं, जिसको आज प्रसारित करने के लिए, उसको देखा पहुँचाने के लिए आप यहाँ पर उपस्थित हैं। महाराज जी, एक चीज़ और ये कहना चाह रहा था कि जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से माध्यम से आप 5 साल से कथा कर रहे हैं, तो जब आप 5 साल के थे उस समय आप कथा का इतना बड़ा ज्ञान कैसे, इसके बारे में आप क्या मानते हैं कैसे 5 साल की उम्र में ऐसी चीज़ें इतना? देखिए, ठाकुर जी की कृपा से सब संभव है, भगवत कृपा ने शाप दिया, ठाकुर जी की अनुकंपा से सब संभव है। मूकम करोति वाचालम पंगुं लभ्यन्ते गृहे कृपा मोहिन्ते परमानन्दं मानवम्। श्री ध्रुव जी महाराज ने मात्र 5 वर्ष की उम्र में परमात्मा को प्रकट कर दिया। प्रहलाद जी ने कम उम्र में बाल अवस्था में अल्पायु में कितनी सारी जीवन खत्म कर सकने वाली घटनाओं से भी दुर्भाग्य की, यानी उन्होंने उनको सामना किया और परमात्मा ने हर परिस्थिति में, क्योंकि उन्होंने परमात्मा को नहीं भूले इसलिए परमात्मा ने हर परिस्थिति में उनकी रक्षा की। बस वही विश्वास है, वही शक्ति है जो आज हमको इस क्षेत्र में उस आयु से ठाकुर जी की सेवा करने की पता आदि प्रेरणा दे रही थी और हम इस क्षेत्र में।